गर्मी का मौसम और आम, ये कॉम्बिनेशन किसे पसंद नहीं होगा। इसी तरह अलग अलग मौसमों में अलग अलग फल अपने स्वाद से मौसम की खूबसूरती बढ़ाने का काम करते हैं। इन फलों को चखने की चाहत हमें फ्रूट शॉप की ओर आकर्षित करती है। पर फल खरीदते वक्त आपने शायद ही गौर किया हो उस स्टिकर पर जो फल पर चिपका होता है। क्या आप जानते हैं ये स्टिकर क्या है और फलों पर इसके चिपके होने का क्या मतलब है? अगर नहीं जानते तो जानने के लिए देखिए ये पूरा वीडियो और लीजिए आज के फैक्ट का टॉनिक, फैक्ट टॉनिक के साथ। तो चलिए शुरू किया जाए। फल सही मायनों में जीवन को प्रकृति से मिला वरदान है। अगर हम मनुष्यों की बात करें तो हमारे शरीर की विटामिन्स, प्रोटीन्स और फाइबर्स की आपूर्ति के लिए हम बहुत हद तक फलों पर निर्भर करते हैं। पर जो फल हम खा रहे हैं सचमुच में वह लाभदायक है भी या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? फल कहाँ उगाया गया, उन्हें उगाने के लिए किस प्रकार के कीटनाशकों का उपयोग किया गया, इन सब सवालों को जानने का एक सरल तरीका है स्टिकर। फलों पर पैकेजिंग के वक्त एक स्टिकर लगाया जाता है जो फलों की गुणवत्ता, एक्सपायरी डेट और PLU के बारे में जानकारी देता है। PLU का मतलब है प्राइस लुकअप। चलिए PLU कोड के बारे में थोड़ा बारीकी से समझते हैं। इस कोड की 3 कैटेगरी है। पहली, यदि फलों पर लगे स्टिकर पर लिखा नंबर 5 डिजिट का है और पहला डिजिट 9 से शुरू होता है, जैसे उदाहरण के लिए 95673, तो इसका मतलब फल ऑर्गेनिक है और इसे नेचुरल तरीका अपनाकर गोबर जैसे जैविक खाद के द्वारा उगाया गया है। यह फल सेहत के लिए सबसे बढ़िया है। हाँ, मगर ये जैविक है तो थोड़ा ज्यादा भाव खाता है, यानी थोड़ा महंगा मिलता है। अब हम दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं। यदि फलों पर लगे स्टिकर पर लिखा नंबर 5 डिजिट का है और उसका पहला डिजिट 8 से शुरू होता है, जैसे कि 86452, तो इसका मतलब है फल जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है। जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब होता है किसी फल के DNA में परिवर्तन करके नई किस्म के फल का उत्पादन करना, यानी सच्चाई से थोड़ी सी छेड़छाड़। इस तरह के फल हमारे स्वास्थ्य के लिए ऑर्गेनिक फलों की तुलना में थोड़े कम अच्छे माने जाते हैं और कीमत भी ऑर्गेनिक फल की तुलना में कम होती है। आइए PLU कोड की तीसरी कैटेगरी के बारे में समझते हैं। ये नंबर 4 डिजिट का होता है और किसी भी डिजिट से शुरू हो सकता है। इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि इस तरह के फलों को उगाने के लिए यूरिया जैसे रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का इस्तेमाल किया गया है। यह फल गुणवत्ता के मामले में अच्छा नहीं माना जाता और कीटनाशक के इस्तेमाल के कारण यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। अब तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि फलों पर लगे स्टिकर का क्या मतलब होता है और कैसे हम इस स्टिकर की मदद से जानकारी जुटा सकते हैं जो खरीदने में मददगार साबित हो। अगली बार आप बाजार फल खरीदने जाए तो स्टिकर देखना ना भूले। तो अगर ये वीडियो और ये फैक्ट आपको पसंद आए हो तो जरूर हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम हर दिन आपके लिए लेकर आएंगे रोचक तत्व से भरे अमेजिंग वीडियोज़।